चिकन मंचूरियन चाइनीज़ डिश है और हमेशा से ये बात रही है चाइनीज़ फूड घर पे अच्छा नहीं बनता। इस बात को गलत साबित करते हैं और मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ घर पे बनाना सिखाऊंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक मस्ट है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन में सबसे पहले हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट बहुत ही कम ऐड करना है क्योंकि सॉसेज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। जस्ट यहाँ पे मैं एग वाइट ऐड कर रही हूँ, येलो पार्ट ऐड नहीं करना। आप ये सब टिप्स को फॉलो करें, आपका चाइनीज़ घर पर बहुत अच्छा बनेगा, आपको बाहर से चाइनीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी सोया सॉस डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और हमारे चिकन की मैरिनेशन रेडी है। मैरिनेशन में ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही लाइट स्पाइसेस रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मंचूरियन के अंदर कॉम्बिनेशन सॉसेस का ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ली हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी की शेप कट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 20 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक इसको रेस्ट पे छोड़ रही हूँ आप जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड स्टेप, एग फ्राइड राइस। यहाँ पे मैंने एक और अंडा लिया है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर इज टोटली ऑप्शनल, जस्ट फॉर अ गुड कलर मैंने ऐड किया है। अच्छे से बीट करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अंडा इसमें शामिल कर देंगे। अंडे को इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि अंडे के छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। अब ऐड करेंगे गाजर। गाजर भी आप अपनी मर्जी की शेप कट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे ग्रीन अनियन का आगे वाला पार्ट ऐड किया है। थोड़ा सा विनीगर, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी हॉट सॉस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वांटिटी। आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उस हिसाब से आपने अपने स्पाइसेस को एडजस्ट करना है। बॉइल्ड राइस जो मैंने 80% डन करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। स्प्रिंग ओनियन दम पे रखने से पहले ऊपर स्प्रिंकल करेंगे एंड 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको दम पे छोड़ देंगे। अगर आप इस मेथड से एग फ्राइड राइस घर पे बनाएंगे तो आपके रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस घर पे बनेंगे। सब टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, आपके राइस बहुत अच्छे बनेंगे। नाउ बैक टू द मैरिनेटेड चिकन। चिकन को पैन में थोड़े से ऑयल में पका लेंगे। आवर थर्ड स्टेप इज मंचूरियन सॉस, विनीगर, सोया सॉस, हॉट सॉस। This all depend according to your taste. Black pepper and most important tomato ketchup. इन सब सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर ऐड करेंगे। नाउ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप, मैंने पानी के अंदर चिकन पाउडर, चिकन क्यूब
जो भी अवेलेबल है आपके पास वो ऐड की थी, और इसको भी सॉस के अंदर ऐड कर देंगे और हमारी मंचूरियन की सॉस रेडी है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर ऐड करके स्लरी बनाएंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल, और गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को 15 टू 20 सेकंड के लिए कुक करेंगे, और जो हमने मंचूरियन की सॉस रेडी की थी वो पैन के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही सॉस के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए पहले गाजर ऐड करूँगी। सॉस को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड की है, और इसको हाई फ्लेम पे 30 सेकेंड के लिए हम कुक करेंगे। जैसे ही सॉस का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और सॉस की कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी, तब तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे और बाकी की वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करेंगे। किसी भी स्पैचुला की मदद पैन को क्लीन करते रहें और इस तरह से मिक्स करें। वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च ऐड की है और अनियन ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी वेजिटेबल्स डन हो चुकी हैं, सिर्फ इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे। इसके बाद चिकन ऐड कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इस पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप घर पे चिकन मंचूरियन बनाएंगे तो आपका चिकन मंचूरियन रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। सीरियसली आपको बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फिर स्प्रिंग ऑनियन से इसको गार्निश करेंगे और हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन एग फ्राइड राइस रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी परफेक्ट है और इसके अंदर जो ग्रेवी है वो भी कितनी अच्छी लग रही है। अपनी वीडियो के एंड पे हमेशा से मैं अपनी प्लेट की सर्विंग आपको दिखाती हूँ, और साथ में मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें इसकी रिक्वेस्ट भी करती हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।